अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा खान रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भुना कलेजी मसाला। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगती है, जो लोग कलेजी खाने के शौकीन हैं उनको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ले ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो कलेजी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है और अच्छे से इसको 6 से 7 पानी से धोया है और चलनी में इस तरह से मैंने रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। और चलिए यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया, बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करकर। मैंने कुकर रख दिया, कुकर में मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर डाल दिया है ऑयल और ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया लगती है, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, लाइक करें बगैर मत जाना। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 1 छोटी चम्मच से हम यहाँ पर डाल देंगे दाना मेथी, जो होता है उसको डाल देंगे। ये इजीली सबके घर में अवेलेबल होती है और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, डार्क कलर नहीं देंगे इसको। और तुरंत ही फ़ौरन हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने बड़े साइज़ की 2 प्याज जो है इसमें काट दी हैं, पतले पतले हमने प्याज को काटा है। और इसको भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और हल्का सा इसका हमें कलर चेंज करना है। देखिए जैसे इस तरह का पिंक हो जाएगी, थोड़ी प्याज हमारी खुल जाएगी और हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा, गुलाबी कलर आ जाएगा। बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे अपनी कलेजी और इसको अच्छे से ऑयल में हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और ईजी है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ चलिए मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 4 बड़े चम्मच भरकर पिसी हुई प्याज, ये मेरी होममेड है। और उतना ही जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट, तो ये भी मेरा 4 चम्मच भरकर मैंने डाला है। अगर जिस कटोरी से मैं डाल रही हूँ तो आधी कटोरी पर आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर 4 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, बराबर से डाला है। और इन चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कलेजी जो है काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो अभी हमने पानी ऐड नहीं करा है। और देखिए क्या काफ़ी सारा इसमें पानी छूटा है। और यहाँ कुछ पिसे हुए मसाले डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर हम नमक डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 चम्मच से 2.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हो। 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पर मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको चटपटा बना रही हूँ, तो यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर हरी मिर्ची आपको खाना पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें ज़्यादा मसाले या ज़्यादा हमने कुछ नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल इजी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कलेजी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है, तो कम पानी यूज़ करूँगी, 1/2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और एक बार इसको अच्छे से हम चला लेंगे, बस सारे मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। और अब हम कुकर की लिड को फ्रेंड्स बंद कर देंगे, लगा देंगे। और इसमें लगभग मैं 4 से 5 सीटी लूँगी, पहले मैं 4 सीटियाँ ले लूँगी और उसमें बाद में हम चेक कर लेंगे बाहर खोल कर, अगर हमारी कलेजी अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है तो 1 सीटी और ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4 सीटी मैंने लगाकर बीच में एक बार चेक कर लिया था, थोड़ा सा मुझे कमी लगी तो मैंने 1 सीटी और लगाई। लगभग टोटल मैंने फ्रेंड्स इसमें 5 सीटियाँ लगाई हैं। और देखिए कितनी भुनी माशाल्लाह हमारी जो कलेजी है वो बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दी है और माशाल्लाह कलेजी जो है मेरी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनी है, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। अब माशाल्लाह देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मगर मैं थोड़ा इसको, जैसा कि मेरा रेसिपी का नाम है तो वैसे ही मैं इसको बना रही हूँ, थोड़ा भुना बना रही हूँ। तो माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी जो है बनकर तैयार है, भुना कलेजी मसाला, बढ़िया और टेस्टी लग रही है माशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी अपडेट्स आपको मिल सकें।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सिंपल, इजी और घरेलू रेसिपी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से आपके साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।